सब्सक्राइब कीजिए मोबाइल टेक्निकल गुरु चैनल को और बेल आइकन पे क्लिक करें हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, यदि आप एंड्रॉइड मोबाइल इस्तेमाल करते होंगे तो आपको हैंगिंग प्रॉब्लम का सामना जरूर करना पड़ा होगा। जब भी आप इंटरनेट डाटा ऑन करते हैं तो उस कंडीशन में आपका मोबाइल हैंग करने लगता है, रुक रुक के काम करता है। जो भी ऐप आप खोलना चाहते हैं या ओपन करना चाहते हैं तो बहुत समय के बाद ओपन होता है। तो इस वीडियो में यही सारी सारे टिप्स हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को बिना स्किप किए आप लास्ट तक देखते रहिए। दोस्तों, मैं हूं प्रदीप मौर्या। दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने मोबाइल में गूगल क्रोम को खोल लीजिए। हम आपको खोल करके दिखा देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तीन बिंदु दिखाई दे रहा है। इस तीन बिंदु पे आप क्लिक करेंगे और जैसे तीन बिंदु पे क्लिक करेंगे यहाँ पे एक हिस्ट्री का फोल्डर आपको दिखाई देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे हमने या आप जो भी आपके मोबाइल में वेबसाइट या बहुत सारे लिंक इस हिस्ट्री में आकर के लग जाते हैं। दोस्तों, ये सारे लिंक हमारे रैम के अगल बगल जा करके लग जाते हैं और जब भी आप डाटा ऑन करते हैं तो उस कंडीशन में ये सारे फाइल जो है कि काम करने लगते हैं। तो दोस्तों, इसे क्या करना है कि एक एक करके आप डिलीट कर दीजिए या यहाँ पे नीचे जो ऑप्शन देख रहे हैं यहाँ पे आप क्लियर ब्राउजर डाटा पे आप एक ही बार में सारे को क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जब ये डाटा क्लियर हो जाए उसके बाद हम आपको बताते हैं अब आपको क्या करना है। दोस्तों, अब दूसरा नंबर आपको क्या करना है कि मोबाइल के सेटिंग में आपको आना है। ये जो आप सेटिंग देख रहे हैं मोबाइल का जो फोन सेटिंग होता है उसमें आपको आना है और सेटिंग पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा फोन का सेटिंग है वहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टोरेज यूएसबी दिया हुआ है, किसी किसी में स्टोरेज दिया होता है। अब यहाँ पे आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे डाटा है। तो दोस्तों, इस कैसे डाटे को आपको क्या करना है कि आपको क्लियर कर देना है। दोस्तों, हमने ऑलरेडी इसे क्लियर कर रखा है इसलिए यहाँ पे हमारा जो स्पेस है वो खाली दिखाई दे रहा है। दोस्तों, किसी किसी मोबाइल में जब आप इस कैसे फाइल को डिलीट नहीं करते हो तो यहाँ 400 500 1 GB तक यहाँ कैसे फाइल जो है कि आ करके बन जाता है। तो दोस्तों, इस कंडीशन में मोबाइल हैंग करने लगता है। अब दोस्तों, आपको तीसरा नंबर यहाँ पे क्या करना है कि मोबाइल के सेटिंग में दोबारा से आना है और जैसे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक एप्स का फोल्डर आपको नजर आएगा। यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे एप्स जो कि ऑलरेडी इंस्टॉल है। दोस्तों, इसी प्रकार आप भी अपने मोबाइल में बहुत सारे एप्स जो है इंस्टॉल किए होंगे जिसे आप यूज नहीं करते हैं। 10 दिन 15 दिन 20 दिन तक आप यूज नहीं करते हैं तो वो ऐप्स सारे काम करते रहते हैं। तो दोस्तों, उस ऐप को आपको क्या करना है जिसे आप यूज नहीं करना है उस ऐप्स को क्या करना है कि आपको यहाँ पे फोर्स स्टॉप कर देना है। जैसे इस मोबाइल में हम आपको बता रहे हैं कि गूगल क्रोम को मान लीजिए हमें फोर्स स्टॉप करना है तो यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिसेबल का ऑप्शन है और फोर्स स्टॉप का ऑप्शन है। जब आप फोर्स स्टॉप पे क्लिक करके ओके कर देंगे तो ये जो एप्लीकेशन है वो काम करना बंद कर देता है। ठीक इसी प्रकार जितने भी आप एप्लीकेशन डाउनलोड किए रहेंगे वो सारे एप्लीकेशन जो है कि काम करने लगते हैं। तो दोस्तों, इस सारे एप्लीकेशन को जो आपको यूज नहीं करना उसे फोर्स स्टॉप कर देंगे तो आपके रैम के अगल बगल जो भी एप्लीकेशन काम करते हैं वो काम करना बंद कर देता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, हम हर रोज इसी प्रकार के वीडियो टेक्नोलॉजी से संबंधित बनाते रहते हैं। तो दोस्तों, यदि अभी तक हमारा मोबाइल टेक्निकल गुरु चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल का आइकन है उस पर आप क्लिक कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।